Assalamu alaikum class 7. Welcome to your social studies lecture. I'm your teacher Sara Nadeem. I hope you all are fine. So we have started chapter number 18 of your book, which is from the history portion, and the name of the chapter is 1937 to 46, the last steps to independence. In the previous lecture, we studied about the cabinet mission plan, the proposals which are given in the cabinet mission. And this topic was on page number 88. Now we're going to further continue this topic, the cabinet mission, and in today's lecture we're going to see the results of the cabinet mission and what happened after the proposals given by the cabinet mission delegation which was from the Britain. Okay, so just let's take a quick overview of the previous lecture. Cabinet mission mein हुआ ये था 1946 में एक लास्ट अटेम्प्ट की गई थी ब्रिटिश की तरफ से कि किसी तरह से इंडिया को यूनाइटेड रखा जाए, इकट्ठा रखा जाए. तो इंडियन सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश की तरफ से एक एफर्ट थी, है एक लास्ट एफर्ट थी. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कैबिनेट के जो पॉलिटिशियंस थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनको भेजा था, उनका एक डेलीगेशन भेजा था यहाँ पे इंडिया में, इसलिए कि इन इशूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए. तो और उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए थे, तीन प्रपोजल्स यहाँ पे बात हुई है आपकी बुक में, उसी की बात करते हैं. एक ऑल इंडिया यूनियन बनाई जाएगी सारे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को मिला के. दूसरा ये था कि जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के जो डिपार्टमेंट होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होंगे. और तीसरा ये था कि जो पूरी होगी गवर्नमेंट, इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन था जिस वक्त करंट पाकिस्तान भी है, और तीसरा बंगाल एंड असम. तो इस तरह से डिवाइड किया जाएगा, इस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी. फर्दर आज देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स इसके निकले थे, क्या कंक्लूजन निकला था, दोनों जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज उनकी तरफ से क्या रिजल्ट्स निकले थे. So after lengthy discussions, the cabinet mission delegation finally realized that the Congress and Muslim League were fundamentally opposed to each other's point of view. कि इस इतनी ज़्यादा discussion के बाद finally realized हो गया था कि जो ministers आए थे वहाँ से कि दोनों के Congress and Muslim League basically एक दूसरे के point of view से बिल्कुल opposite बात करते हैं हमेशा. एक बिल्कुल ही Muslim League का कोई और होता है point of view, तो दूसरा Congress का तो बिल्कुल ही totally different होता है उसके comparison में. तो ये क्या उनको भी रियलाइज हो गया था. उसके बाद उन्होंने फाइनली अगेन कुछ प्रपोज किया था कैबिनेट मिशन में, और वो क्या था कि जो पूरा सब कॉन्टिनेंट होगा उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा. डिवीजन बिल्कुल वैसे ही थी जैसे बताई गई थी कि एक हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस, एक दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, और तीसरा बंगाल एंड असम. तो और दूसरी क्या बात की थी, लोकल ऑटोनॉमी अंडर अ सेंट्रल इंडियन यूनियन डीलिंग विद डिफेंस, फॉरन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस. लोकल ऑटोनॉमी अंडर अ सेंट्रल इंडियन यूनियन, पहले क्या था कि ब्रिटिश की इन्वॉल्वमेंट थी फिर इस सब में, डिफेंस, फॉरन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस के डिपार्टमेंट में, लेकिन फिर उसके बाद ये कह दिया गया था कि सेंट्रल इंडियन यूनियन के अंडर ही एक लोकल गवर्नमेंट बनेगी. लोकल ऑटोनॉमी की बात लास्ट लेक्चर्स में भी हुई है. ऑटोनॉमी मीन्स के एक अपनी खुद मुख्तार, एक अपनी गवर्नमेंट होना जिसमें उनका किसी दूसरे का कोई और रोल ना हो, उनकी बिल्कुल अपना उनको एक तरह से गवर्नमेंट मिलना, अपने बनाने का गवर्नमेंट बनाने का चांस मिलना. तो सेंट्रल यूनियन सेंट्रल इंडियन यूनियन के अंडर एक लोकल ऑटोनॉमी बनेगी जो कि वही डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस के जो है उससे डील करेगी. तो ये प्लान किसी हद तक बहुत अच्छा लग भी रहा था कि ये सब कुछ सही चल रहा है, ये वाला प्रपोजल फिर भी ठीक था. डिवीजन बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी सब कॉन्टिनेंट की, और सेंट्रल इंडियन यूनियन में के अंडर चलो एक लोकल ऑटोनॉमी बन जाएगी कि इंडियंस ही होंगे जो कि डील कर रहे होंगे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस के डिपार्टमेंट को. तो इस तरह से ये अच्छा लग रहा था और ये शायद एक्सेप्ट हो भी जाता, लेकिन क्या हुआ एंड टाइम पे, मिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू थे, इंडियंस के कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़े हिंदू लीडर थे, उन्होंने ये कह दिया था कि जब अगर ब्रिटिश के जाने के बाद यहाँ से टोटल जो डोमिनेशन होगी, पूरी पावर होगी, वो बिल्कुल सारी की सारी उनके पास आ जाएगी. यस, कांग्रेस अपने होल्ड में ले लेगी कि ब्रिटिश अगर चले जाते हैं यहाँ से इंडिया से तो पूरा जो पूरी गवर्नमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की होगी, मुस्लिम्स को वो गवर्नमेंट बनाने नहीं देंगे. और क्योंकि वो उनका सिंपल सा हिंदूज का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब हिंदूज मेजॉरिटी में है तो उन्हीं को राइट मिलना चाहिए गवर्नमेंट बनाने का भी, उन्हीं के पास ये राइट होना चाहिए, मुस्लिम्स को राइट नहीं मिलना चाहिए. तो इसके बाद जब ये आइडिया हुआ और जो मुस्लिम्स एक्सेप्ट करने भी लगे थे इस प्रपोजल को, तो फिर वो रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग ने भी, और इसी तरह से कांग्रेस ने, जब मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया
तो मतलब ये प्रपोजल भी रिजेक्ट हो गया था इस तरह से, सिर्फ इस वजह से, इस तरह की जब पॉइंट ऑफ व्यूज निकले थे और सामने आए थे तो. और फिर मुस्लिम ने ये सोचा था कि नहीं, अब हम इसकी तरफ क्यों जाएं, अब हम अपना अपनी कंट्री की तरफ ही जाएंगे, हमें जो एक सेपरेट नेशन चाहिए जिसका हम ऐलान भी कर चुके हैं, हम उसी की तरफ एफर्ट करेंगे. फर्दर एक उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, क्योंकि कुछ कोई ना कोई गवर्नमेंट तो बनानी थी. इंटरिम कहते इंटरिम मीन्स टेम्प्ररी, ऑन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड के बहुत थोड़े टाइम के लिए एक टेम्प्ररी बेसिस पे गवर्नमेंट बना दी गई थी, जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो थी मेंबर्स जो थे डिसाइड हुए थे, सेलेक्ट हुए थे सितंबर 1946 में. ये बनी थी इंटरिम गवर्नमेंट, परसुएडेड बाय लॉर्ड वेवल, मिस्टर जिन्ना नॉमिनेटेड फाइव नेम्स इंक्लूडिंग अ हिंदू टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम लीग. लॉर्ड वेवल की रजामंदी के बाद, उनकी उनके एग्री करने के बाद, उनकी अप्रूवल के बाद, बेसिकली मिस्टर जिन्ना ने जो थे कायदे आजम ने जो थे फाइव नेम्स दिए थे जो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करेंगे उस गवर्नमेंट में, और एक हिंदू का नेम भी दिया. क्योंकि कायदे आजम ने ये भी सोचा था कि मुस्लिम लीग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की पार्टी ही नहीं है, हिंदुओं को भी एक तरह से रिप्रेजेंट करेगी. मुस्लिम्स को तो हाँ हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन हाँ उन्होंने सबका सोचते हुए एक हिंदू का नेम भी नॉमिनेट किया था, एक हिंदू का नेम भी दिया था मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करने के लिए. उसके बाद खैर गवर्नमेंट बन गई थी, बहुत सी जो थी पोजीशंस कुछ हिंदूज को मिले, कुछ मुस्लिम्स को मिली. इवन उसके बाद जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी फाइनेंस मिनिस्टर की, वो मिस्टर लियाकत अली खान को मिली थी, जो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने थे पाकिस्तान बनने के बाद. तो ये एक फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई छोटा डिपार्टमेंट नहीं होता जिसमें पैसा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जिसमें पैसों का सारा हिसाब किताब किया रखा जाता है कि कंट्री में कितना फाइनेंस है, कितना बजट है, क्या सब रेट चल रहा है, इस टाइप के मनी रिलेटेड जो भी सारा पूरा डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है डील कर रहा होता है इस तरह की हर चीज़ को. तो फाइनेंस मिनिस्टर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिल गई थी उस वक्त लियाकत अली खान को, और इस तरह से एक गवर्नमेंट बन गई थी उस टाइम पे, लेकिन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए. उसके बाद 1947 में तो हमें पता ही है पाकिस्तान बन ही गया था अगले साल अगस्त में. सो क्लास दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज आवर टुडेस लेक्चर. ऑल्सो रीड द लेक्चर फ्रॉम द बुक्स. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स. अल्लाह हाफिज़.